तो जोशीमठ दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने कई पीड़ित परिवारों ने अपनी बात रखी। इस दौरान एक महिला सीएम धामी के पैर छूकर रो पड़ी और अपनी बात रखी। उस महिला से हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल ने खास बातचीत की। महिला जो सीएम पुष्कर धामी के सामने फफक फफक के रो पड़ी, अपना घर छोड़कर नगर पालिका केंद्र में रहने को मजबूर है, वो महिला गोदावरी देवी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सीएम के सामने इनके आंसू नहीं थम रहे थे, फफक फफक के रो रही थी, साथ में बच्ची है। क्या हुआ, किस बात पर रोना है बेटा? इस बात का रोना है कि रात को हफरा तफरी में हमें भागना पड़ा, मकान की हालत देख कर रात को जब आवाज आई तो हमें बाहर निकले, सारे लोग देख रहे थे इधर उधर। हमने सोचा पता नहीं मोहल्ले में क्या हो रहा है, इधर उधर देखा तब लोग सब अपने बिस्तर बैग हाथ में रखे भाग रहे। मैं देखती रही अपनी उसमें से दरवाजे के सामने से, तो तब देखा मैंने, मैंने पूछा उनको, वो लोग तो वो किराएदार थे उधर के बगल के, वो हमारी मतलब भाषा समझते भी नहीं है, लेकिन एक बिहारी था उससे पूछा मैंने, तो वो थोड़ा हिंदी में बोला। मैंने बोला क्या हुआ, बोला ऊपर मलारिन और माउंट व्यू होटल गिरने वाला है, आवाज आ रही माँ जी चलो चलो। छोटे बच्चे के साथ इधर से उधर लेकर उनको जाना, क्या सिचुएशन हो रही है? सबसे पहले तो हमारे सीएम का मैं सबसे धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और आज यहाँ तक आए। भले उनको हमारे घर तक आने का टाइम नहीं था, क्योंकि हम उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। जहाँ पे वहाँ हमारे घर के ऊपर मलारिन और मांड व्यू होटल है, उनके नीचे दरारें पड़ी हैं, उन्हीं जस्ट उन्हीं के नीचे हम लोग रहते हैं। 2:30 को 11:30-12 बजे हमारे मकान पे आवाज आई धसकने की, तो उस दिन से हम लोग रोड पे हैं। सारे रात भर हम इस बच्चे को लेके रोड छत के ऊपर खड़े रहे। दूसरे दिन जब 7-8 बजे तब जाके हम कमरे में गए, फिर दूसरे दिन हम यहाँ नगर पालिका शिफ्ट हो गए। अब आप लोग के यहाँ पे आप लोग देख ही रहेंगे हमारी परिस्थिति कैसी है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात खराब होते जा रहे हैं। सिंहधार इलाके में मकानों की स्थिति पहले के मुकाबले बहुत खराब हो रही है। न्यूज 18 की टीम ने हालातों का जायजा लिया। आइए आपको बताते हैं कि मकानों में पहले के मुकाबले अब क्या बदलाव आए। जोशीमठ के सिंहधार इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हैं और इनकी परेशानी का क्या सबब है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि जहाँ से आप उतरकर इस इलाके में पहुंचेंगे उन सीढ़ियों का हाल क्या हुआ है। इसके बाद आपकी नजर जाएगी यहीं पर बिल्कुल पास में बना, ये शायद बाथरूम और टॉयलेट है, जिसकी पोजीशन देखकर आपको समझ आ जाएगा कि जब हम कह रहे हैं कि यहाँ जमीन धस रही है तो क्या हालात बन रहे हैं। नीचे आप देखेंगे किस तरीके से ये टेढ़ा ही आपको नजर आ रहा है, जमीन जो है यहाँ पर टूट गई है। पर इतना ही नहीं, नीचे जहाँ हम खड़े हैं इस पूरे जगहों पर दरारें ही दरारें नजर आ रही हैं। ये पहला घर आपको तस्वीरों में मैं दिखा रही हूँ जिसका आंगन टूट गया है, जहां से आप ऊपर चढ़ सकते थे वो टूट गया है।